भारत बना टी20 क्रिकेट का विश्व विजेता, 17 साल बाद दूसरी बार बना टी20 का चैंपियन। 2007 में पहली बार टी20 विश्व कप पर किया था कब्जा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत बना टी20 चैंपियन। साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर दो बार विश्व कप जीतने वाला तीसरी टीम बना भारत। 11 साल बाद जीता आईसीसी ट्रॉफी। भारत ने टॉस जीतकर की बल्लेबाजी। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 177 रनों का दिया था लक्ष्य। साउथ अफ्रीका 169 रन ही बना सका। टी20 विश्व कप में भारत ने रचा इतिहास। बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी जीतकर बनाया रिकॉर्ड। भारत ने टी20 फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। टीम इंडिया की शुरुआत रही खराब। 34 रन पर कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव लौटे पवेलियन। विराट कोहली और अक्षर पटेल ने संभाला मोर्चा। विराट कोहली ने भारत की तरफ से सबसे अधिक 76 रनों की पारी खेली। अक्षर पटेल ने 31 गेंद में 47 और ऋषभम दुबे ने 27 रन जोड़े। साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज ने की शानदार गेंदबाजी। केशव महाराज ने दूसरे ओवर में ही रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को आउट कर दिया जोरदार झटका। केशव महाराज के अलावे नौरखिया ने दो खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। यानसेन और रबाडा को एक एक विकेट मिला। साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्लासेन ने सबसे अधिक 51 रनों की पारी खेली। क्विंटन डिकॉक ने 39 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने 21 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह ने दो दो खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के जबड़े से छीन ली जीत। क्लासेन की विस्फोटक पारी ने साउथ अफ्रीका की झोली में मैच डाल दिया। हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर में क्लासेन को आउट कर भारत की मैच में वापसी करा दी। जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में किफायती गेंदबाजी कर अफ्रीका से मैच छीन लिया। टीम इंडिया के विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। विश्व कप में लगातार फ्लॉप हो रहे कोहली ने आखिरकार फाइनल में खेली बड़ी पारी। कोहली ने 59 गेंदों में 76 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह को शानदार गेंदबाजी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। बुमराह ने विश्व कप में बेहतर रन औसत के साथ 15 विकेट झटके। भारत की जीत के बाद देश भर में मनी दिवाली। लोगों ने जमकर मनाया जश्न, जीत का जश्न। लोगों ने जीत के बाद जमकर फोड़े पटाखे। जीत की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम को दी जीत की बधाई। एक्सपर्ट लिखा, फाइनल मैच में यह असाधारण जीत है। शाबाश टीम इंडिया, तुम पर हमें नाज है। भारत की जीत पर पीएम मोदी ने दी टीम को जीत की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिखा, यह एक ऐतिहासिक जीत, हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व। सीएम योगी ने चैंपियन टीम को दी शुभकामनाएं। लिखा, विश्व विजेता भारतीय टीम का अभिनंदन। गृहमंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। कहा, हमारे खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन से मिली जीत, यह देश के लिए गौरवशाली क्षण। राहुल गांधी ने भी विश्व कप में शानदार जीत पर दी शुभकामनाएं। कहा, नीले रंग के शानदार पुरुषों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया। शानदार जीत की टीम इंडिया को बधाई। भारत ने विश्व विजेता बनने के बाद विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। विराट ने कहा, हम उस कप को उठाना चाहते थे, वह वही है जिसे हम हासिल करना चाहते थे। विराट कोहली ने कहा, यह मेरा छठा विश्व कप है। आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का इंतजार करते हुए हमारे लिए एक लंबा इंतजार रहा। विराट कोहली ने टी20 करियर में 125 रन खेले। कोहली ने 4188 रन बनाए। टी20 में एशिया कप में विराट ने लगाया है एकमात्र शतक। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी फैंस को दिया झटका। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। जीत के बाद बोले रोहित शर्मा, कहा, मैं यह विश्व कप ट्रॉफी बहुत चाहता था। इस जीत को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। संन्यास लेने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। रोहित शर्मा ने अपने टी20 करियर में 159 रन मैच खेले। रोहित शर्मा ने 4231 रन बनाए। 5 शतक और 32 अर्धशतक है रोहित शर्मा के नाम। आज से फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी मन की बात के 111वें एपिसोड को रेडियो के जरिए करेंगे संबोधित। एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। नीट पेपर लीक मामले में बिहार में सीबीआई ने 13 आरोपियों से पूछताछ शुरू की। बेऊर जेल में आज फिर सीबीआई करेगी पूछताछ। गोधरा में नीट परीक्षा धांधली मामले में सीबीआई 4 आरोपियों से करेगी पूछताछ। कोर्ट ने 4 आरोपियों के 4 दिन की रिमांड मंजूर की है। नीट पेपर लीक केस पर चर्चा से कांग्रेस भाग रही है, वो छात्रों का हित नहीं चाहती है, शिक्षा मंत्री का बयान। विपक्षी दलों को धर्मेंद्र प्रधान की दो टूक, नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा, 2014 में से पहले भी ऐसे मुद्दे सामने आए, लेकिन मैं इसे सही नहीं ठहरा रहा। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एनटीए में सुधार शुरू किए गए हैं। नीट पीजी की नई तारीखों की घोषणा सोमवार मंगलवार तक की जाएगी। राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, क्या वो नीट के मुद्दे पर नेतागिरी करना चाहते हैं? सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को जतन राम मांझी ने बताया साजिश। पुल एक महीने पहले क्यों नहीं गिर रहे थे? पुल एक के बाद एक पुल गिरने से गरमाई सियासत। तेजस्वी यादव समेत दूसरे विपक्षी नेता लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का वाराणसी दौरा। 3 दिवसीय दौरे के दौरान गाजीपुर मिर्जापुर जाने का भी कार्यक्रम।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। प्रयागराज में ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन वाले मोर्चे की हुई बैठक। बैठक में हुआ ऐलान, विधानसभा की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगा ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा पर साधन निशाना कहा, कांवड़ के लिए सारे रास्ते अस्पताल बंद हो जाते हैं तो ईद में नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत। अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट से छटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिर तिहाड़ जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल, शुगर की दवाई और घर का खाना खा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई के कोर्ट में दलील, कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सीएम जानबूझकर सवालों से बच रहे हैं। केजरीवाल को जेल में ही रखना चाहती है बीजेपी, आप नेता गोपाल राय ने साथ निशाना। केजरीवाल पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट के आदेश पर वो जेल में है। हेमंत सोरेन की रिहाई से झारखंड का बड़ा सियासी पारा, पूर्व सीएम बोले साजिश करने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, आप सांसद संजय सिंह का पलटवार। संजय झा बने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले संजय झा, सीएम नीतीश ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी के कामों को आगे बढ़ाऊंगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले में के खिलाफ एससी जाएगा जेडीयू। नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे एनडीए का साथ, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। एनडीए में सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा विवाद, संजय राउत के बयान पर बोले शरद पवार, सामूहिक नेतृत्व के तहत महाविकास अघाड़ी लड़ेगा चुनाव। शरद पवार की संजय राउत को दो ठूक, कहा एमबीए चुनाव बाद तय करेगा सीएम उम्मीदवार, किसी एक नेता को आगे करने का सवाल नहीं। लखनऊ में 14 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी, अनिल विज बोले हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा का बयान, लोकसभा के साथ ही हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी, हमारी ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, मायावती के सभी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले राज्य के हर ब्लॉक में जाएंगे कार्यकर्ता, लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। महाराष्ट्र में सीनियर सिटीजन के लिए तीर्थ दर्शन योजना होगी शुरू, सरकार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ मंगलवार और गुरुवार को ही आ सकेंगे विजिटर्स, सुरक्षा को लेकर स्पीकर ने आदेश जारी किया। नागपुर से औरंगाबाद की दूरी 2 घंटे में होगी तय, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले परियोजनाओं पर काम शुरू। झारखंड बीजेपी के इलेक्शन को इंचार्ज सीएम हेमंत ने की बैठक, आदिवासी नेताओं से की बात। लद्दाख के दौलत बे गोल्डी में हादसा, 5 जवान शहीद, एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, पानी भरने से हुआ हादसा। लद्दाख टैंक हादसे पर रक्षा मंत्री ने जताया शोक, कहा परिवार के साथ राष्ट्र मजबूती से खड़ा है। सीएम ममता को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का जवाब, जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करती वो हमें कोर्ट पर ज्ञान दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में बीजेपी का प्रोटेस्ट, मित्रापॉल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का जताया विरोध। कर्नाटक सीएम ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर की बात। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर दी बताई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले ओडिशा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। हरियाणा सरकार और गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच करार, गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा परिषद योजनाओं का किया शुभारंभ, छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस बैग के लिए फंड जारी किया। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दी जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अटैक, कांग्रेस ने संविधान को ही कटघरे में खड़ा किया था, पीएम मोदी को जनता ने दिया जनादेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर असिस्टेंट की हुई नियुक्ति। महाराष्ट्र को हम ड्रग्स मुक्त करेंगे, किसी भी ड्रग सप्लायर को छोड़ेंगे नहीं, सीएम शिंदे का बयान। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने युवाओं को दिया भरोसा, सरकारी नौकरी के साथ स्वरोजगार की व्यवस्था करेगी सरकार। कोलकाता में अवैध अतिक्रमण का मामला, दुकानदारों पेपर विक्रेताओं में हुई मारपीट। मुंबई पासपोर्ट सेवा केंद्र में कथित भ्रष्टाचार का मामला, मुंबई और नागपुर में कई जगहों पर छापेमारी। अगरतला रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत आने का आरोप। अगरतला पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, रेलवे स्टेशन से 22 किलो गांजे के साथ ड्रग पेडलर गिरफ्तार। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन एंटीवायरस, 400 से ज्यादा ठग पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सरकारी जमीन पर ढांचा हटाने गए पुलिस टीम पर हमला, डीएसपी सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने गई पुलिस टीम, समुदाय विशेष के लोगों ने किया हमला। दिल्ली में आफत लेकर आई बारिश, अलग अलग जगहों पर हुए 2 हादसों में पानी में डूबने से 2 बच्चों सहित 3 की मौत। दिल्ली के सिरसपुर अंडरपास में हादसा, पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत। उत्तराखंड में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने का अलर्ट। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ा, कागज की नाव की तरह बह गई 8 गाड़ियां। हरिद्वार में रेस्क्यू टीम से जुटी एसडीआरएफ की टीम, खरखड़ी के पास पानी में फंसी गाड़ियों को निकाला।
देहरादून में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। बीकानेर में बारिश का येलो अलर्ट, शनिवार को आधे शहर में जमकर बरसे बादल। भारी बारिश की वजह से बीकानेर दरिया में तब्दील, तेज बहाव में बह गई बाइक। अगले दो तीन दिन में पश्चिमी यूपी हरियाणा में बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग का अनुमान। तीन दिन से हो रही बारिश से असम के डिब्रूगढ़ में हाल बेहाल, सीआरपीएफ कैंप में भी घुसा पानी। पटना में भारी बारिश से शहर में जलभराव, लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी का बयान, रामपथ को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। अयोध्या पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, रामपथ और श्री राम चिकित्सालय का निरीक्षण किया, बीजेपी पर साधा निशान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताया भरोसा, इस साल करीब 65 लाख करोड़ से ज्यादा भारत का निर्यात रहेगा।